पानी से प्यास न बुझी तो मैं खाने की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, पर खुदा भी तेरा आशिक। मैरिड हो? नहीं, सिंगल हूँ। शाहरुख खान की डंकी में हुई अब किस एक्टर की एंट्री, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, जब से शाहरुख खान की फिल्म डंकी का ऐलान हुआ है तभी से ये फिल्म चर्चा में बनी हुई है और लगातार कोई ना कोई अपडेट सामने आती ही रहती है। और अब एक सुपरस्टार की एंट्री हो गई है फिल्म में, जिसको सुनकर फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि विक्की कौशल है। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विक्की कौशल टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सफ़ेद पैंट पहना हुआ है और हुडी पहना हुआ है। इसमें वो बोमन ईरानी के साथ भी नजर आ रहे हैं। सेट से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं और क्रू मेंबर्स के साथ वो खड़े हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि डंकी में विक्की कौशल भी नजर आएंगे। आपको बता दें, पिछले महीने ही डंकी की अनाउंसमेंट हुई थी। फिल्म में तापसी पन्नू भी नजर आने वाली है। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए राजकुमार हिरानी ने कहा था कि मेरे करियर के दौरान शाहरुख खान हमेशा से मेरी विश लिस्ट में थे, लेकिन फाइनली अब मौका मिला है डंकी में उनके साथ काम करने का। साथ ही शाहरुख खान की उन्होंने तारीफ की और कहा कि जो एनर्जी, करिश्मा और हंसी वो स्क्रीन पर लाते हैं वो कुछ और ही है। वहीं दोस्तों, डंकी की बात करें तो डंकी को डंकी फ्लाइट शब्द से लिया गया है, जिसे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी कि अवैध तरीके से प्रवासियों को सीमा पार कराना है। इस महीने की शुरुआत में फिल्म के सेट से एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें टीम शाहरुख खान के साथ पोज देते हुए नजर आई। डंकी के अलावा शाहरुख खान दीपिका और जॉन की पठान में भी नजर आने वाले हैं। अब बस इंतजार है शाहरुख खान की फिल्मों का। उनकी पहली रिलीज होगी पठान, जो कि 25 जून 2023 को रिलीज की जानी है। तो दोस्तों, कितना इंतजार है आपको शाहरुख खान की फिल्मों का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।